Normally देखा गया है कि बच्चे ये एस पढ़ के नहीं जाते हैं, देन सारे हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नवंबर 18 पेपर ले लो तो पहला क्वेश्चन right. फिर आप नवंबर ट्वेंटी जैन ट्वेंटी वन ले लो आप डिसंबर ट्वेंटी वन ले लो कहीं ना कहीं आपको यह फाइव 50, 60, 70 के सीरीज के एस दिखते जाएंगे

अब जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं वो दो कैटेगरी तो बेस्ड अपॉन दिटी बेस्ड अपॉन दर्टीडी आप मुझे बताओ ये जो एस्टिमेट का एग्जाम्पल ले रहा हूं इसमें अनसर्टनिटी लेवल कितना है लो हैटनिटी लेवल इज हाई और अनसर्टनिटी लेवल इज लो चलो मैं फटाफट -फड़ पूछता हूं पेंडिंग लीगल केसेस क्या लग रहा है आपको एक्चुअल आउटकम में अनसर्टन लेवल क्या हो सकता है हाई एच फॉर हाई एल फॉर लो ऑब्वियसली अनसर्टनिटी लेवल इज हाई राइट अच्छा प्रोविजन फॉर रूटीन एक्सपेंसिस प्रोविजन फॉर रूटीन एक्सपेंसिस अनसर्टनटी लेवल कैन बी लो ऑरइट अच्छा टेल मी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अनसर्टनटी लेवल लो है नहीं लो है खाली वैल्युएशन बोला और सिक्योरिटीज बोला तो हाई नहीं हो गया टेलमी क्या आपको उसका मार्केट प्राइस प्रेडिक्ट करना पड़ेगा नहीं मार्केट में ऑलरेडी प्राइस अवेलेबल है वैल्युएशन को लेकर कोई तकलीफ ही नहीं होगा बट टेलमी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को लेकर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को लेकर आपको प्रेडिक्शन बनाने पड़ते हैं एंड एक्चुअल आउटकम कैन बी मटेरियल डिफरेंट येस और नो सर येस सर तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का जो वैल्यूएशन है उसका अनसर्टन लेवल बहुत हाई हो जाता है जो लिस्टेड लिस्टेड वैल्यूएशन सिक्योरिटी का वैल्यूएशन है है उसका लेवल एकदम लो रहता है। का मतलब क्या समझते हो कि एक्चुअल आउटकम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आर प्रेडिक्टिंग एंड कैन बी मटीरियल डिफरेंट ऑल तो भाई दो तरह के एस्टिमेट होते हैं एक लो अनसर्टनिटी वाले और दूसरे हाई अनसर्टनिटी वाले लो अनसर्टनिटी वाले वहां पे जो एक्चुअल आउटकम है

ना जहां पे भी जजमेंट हाई होगा जहां पे भी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगा जहां पे भी ओन अजम्पन्स वगैरह सब एरिया में अनसर्टनिटी लेवल हाई हो जाएगा ये और नो सर यस सर सो एवरी वन एस्टिमेट्स को देखने का एक तरीका है कि हाई अनसर्टनिटी वाले एस्टिमेट्स एंड लो अनसर्टनिटी वाले एस्टिमेट एंड उसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पे और मैंने आपको पूछा वैसे तो ये आपका एमसीक्यू मटेरियल हो सकता है या फोर मार्क्स का एग्जांपल ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है प्लीज गिव एग्जांपल्स ऑफ लो अनसर्टनिटी वाले एस्टिमेट्स एंड हाई अनसर्टनिटी वाले एस्टिमेट्स टेल मी सीए का रिजल्ट्स जो आप प्रेडिक्ट करते हो और एक्चुअल आउट कम अलग होता है ना तो कैन आई हाई अनसर्टनिटी वाला ऑलराइट <laughs> And का रिजल्ट जो होता है लो अनसर्टेंटी वाला होता है प्रोडिक्शन के हिसाब आता है किसी को मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ जजमेंट अजम्पन्स डेटा एंड इनपुट ऐसा बोला मैंने right, की भाई जाड़ी के ऊपर फोकस करना पड़ता है अगर जजमेंट लेवल हाई है यानी कि बहुत ज्यादा जजमेंट पे डिपेंडेंट like है चीज लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स पेंडिंग लीगल केस कंटेन्जन लैबिटी दिखाई कि प्रोविजन दिखाई बहुत ज्यादा जजमेंट पे डिपेंडेंट है हाई अनसर्टेनिटी वाला

या लेटर से कि जो मैंने इनपुट यूज किया इनपुट इनपुट दो तरह के होते हैं जो भी हम लोग आ, मार्केट का डेटा डालते हैं मार्केट के इंटरेस्ट रेट डालते हैं वो जो इनपुट होता है ना मार्केट से शेयर प्राइस लिया उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट ऑब्जर्वेबल इनपुट यानी जो स्टैंडर्ड मार्केट डेटा होता है वो एंड अनऑब्जर्वेबल इनपुट यानी ओन सेट ऑफ डेटा खुद का डेटा कैलकुलेट किया हुआ खुद के एजम्स कैलकुलेट किए हुए

स्टूडेंट्स को लगा कि खाली एस्टिमेट्स के एक्साम्पल देने हैं दे गेविफ्टीन ट्वेंटीड सपरेट एक्साम्पल्स वैल्यू एस्टिमेट्स एंड अदर एस्टिमेट्स वॉट यूरस्टैंड सच एस्टिमेट्स वेर यू कंपेयर विदार्ट वैल्यू वेर यू कंपेयर विदार्ट वैल्यू एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन टेल मी ऐसे फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स के मुझे एग्जाम्पल दो वैल्यूएशन ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज

टेलमी एवरी वन जब एक्शन होता है तो yes no, yes, so so कुछ दूसरे फैक्टर्स परिसीजन लिए जाते जैसे डेप्रिसिए मार्केट वैल्यू पर डिसीजन लिया जाता है

एग्जाम्पल्स so एग्जाम्पल्स examples, 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 आपको अच्छे से आने चाहिए एक तो काफी बार फाइव आउट ऑफ टेन टाइम्स परसेंट चांसेस की कोई एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ जाएगा right. Now everyone over here. के अंदर वेन इट कम्स टू ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हैबलनेस मुझे चेक करना है देखो बॉस बी केयरफुल विथ यंग्लिश

ये आपको मैंने सेट किया ये सब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कोई भी ऐसे फाइव फोर्टी का क्वेश्चन रहेगा दिस विल बी योर स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन मैं ना एसे 540 के अंदर आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे एटलीस्ट आपका जीरो का चांस कम हो जाए बिकॉज तो ये बच्चे कुछ भी ऐसे 540 में मार्क्स ही नहीं ला रहे दैट द प्रॉब्लम ऑल एड Estimates with indicators of management bias. Again, this is also a set of uh, you know uh, point जहाँ पे आपको थोड़ा example oriented language लैंग्वेज लिखना है. Indicators of management bias. आपको कब लगेगा कि management influence कर रहा है चीजों को या management is uh, turning out to be partial. All right, unbiased नहीं है. Can I say जब management changes करने लगे, जब management changes करने लगे and वो changes का कोई base ही ना हो. Look at this. When they start changing it and उनका कोई base ही नहीं है. All right. कुछ भी कैसे भी चेंजेस कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन देन से वो लोग कुछ कुछ ना कुछ करके ऐसी कर रहे जिससे उनके लिए फेवरेबल आउटकम आए ऐसा एस्टिमेट रिक्नाइज करने की ट्राई करे जिसके लिए उन, जिससे उनका फेवरेबल आउटकम आए एंड देन लुक एट दिस अगर वो लोग ऐसे वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं मार्केट इनपुट अरे यानी कि स्टैंडर्ड मार्केट डेटा से अलग आना शुरू हो जाएगा? Yes, या से जब आप लास्ट फाइव इंडलिस करते हो तो आपको पता चलता है वो लोग ऑप्टिमिस्टिक है, लो है बिजनेस को लेकर या बिजनेस को लेकर पैसिमिस्टिक है वेदर दे आर बुलिश और वेदर दे आर बेरिश करेक्ट तो वो भी समझ में आता है एक पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है ओके सो एवरीवन ओवर हियर चेंजेस फेवरेबल आउटकम लाने की ट्राई करते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट के साथ इनकंसिस्टेंट होती है चीजें एंड देन ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक तो CFO इज ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक कोई भी कंपनी का CFO या तो ऑप्टिमिस्टिक होता है या तो पेसिमिस्टिक होता है या तो आपका चैटिंग लैंग्वेज में CFO इज ओपी ऑलराइट सो so, ये सब है इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बायस जब मैनेजमेंट ये सब करने की ट्राई करता है तभी right? जब वो लोग ओन ऑब्जर्वेबल इनपुट के साथ इनकंसिस्टेंट होता है फेवरेबल लाने की ट्राई करते हैं चेंजेस करते हैं विदाउट एनी बेस या ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक का पैटर्न दिखाते हैं अगेन right? देखो ये भी ओरिएंटेड कंटेंट सब अब सुनो मेरी बात नाउ लिसन टू मी केयरफुली 540 में ना दो तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है एक तो एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए ऑल एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन आर डन दूसरा प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नाउ लिसन टू मी केयरफुली अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑल राइट right.

स्ट्रेट अवे यू शुड लुक एट द लास्ट टू थ्री लाइन ताकि एक आइडिया आना शुरू हो जाता है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस अडोप्टेड बाई मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू रेलिवेंट एस एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस अडोप्टेड बाई मैनेजमेंट आई से लुकिंग एट द क्वेश्चन इतना तो क्लियर हो रहा है कि ऐसे फाइव फोर्टी का क्वेश्चन है ये और नो सर यस सर नाउ अब आपका ना स्कैनर कैसे चलना चाहिए वेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड्सिंग मैंने आपको जो ये ब्रह्मास्त्र नोट दिए है

टेल मी जब आप ये क्वेश्चन देखते हो राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है ये ई फॉर क्वेश्चन है कि पी फॉर प्रोसीजर क्वेश्चन है कि ऑडिटर को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करनी है क्वेश्चन है कि कुछ एग्जाम्पल देने हैं कैन आई से इट इज पी फॉर प्रोसीजर ओरिएटेड क्वेश्चन और नो सर सर तो तो पहले ओरियंटेड तो सब साइड पे जाने प्रोसीजर ओरियंटेड अब मैंने आपको बताया कि बॉस जब प्रोसीजर की बात आती है

इसका मतलब दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टेस्टिंग स्टेज की बात चल रही है नाउ व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम आर ए पी आई मीन आर फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एफ फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको सिर्फ चीजों को अंडरस्टैंड करना है इड द ऑडिटर की मैनेजमेंट जो एस्टिमेट बना रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना है एंड रिस्क एनालिस जानना क्यों जरूरी है इसका मतलब जैसे ही आपको पता चलता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन है तो आपके आंसर की लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए पता है ऑडिटर शुड ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग so so. लेना है एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी हमें चीजों को टेस्ट करना है अब जैसे ही आपने आंसर लिखा टेलमी जब एस्टिमेट की बात आती है तो कहना है इसे अजम्पन मेथर्स कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया कौन सा डेटा यूज किया यही सबका अंडरस्टैंडिंग लेना होता है येस और नो सर कम ऑन वेरी क्विकली कम ऑन देन डोंट टेल मी दैट क्वेश्चन समझ में नहीं आता ये सब गोल्डन मोमेंट्स है अंडरस्टूड दिस ओके सो कैन आई से यही सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना होता है ओके okay. अब लेटेस्ट से आपने जो आंसर लिखा उसमें आपने अजम्पन्स के बारे में लिखा मेथड्स के बारे में लिखा कैलकुलेशन कैसे किया है अकाउंटिंग पॉलिसी यू रोट अबाउट एवरी डैम थिंग दैट यू न्यू अबाउट एस्टिमेट्स लेकिन आपके आंसर का लैंग्वेज ऐसा था ऑडिटर शुड चेक वेदर ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर ऑडिटर शुड वेरीफाईन एविडेंस वेदर आई विल गिव यू बिकॉज आपका जो लैंग्वेज और रिस्क असेसमेंट जैसा साउंड नहीं कर रहा है इट इज साउंडिंग एज इफ आपने टेस्टिंग चालू कर दिया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में चालू कर दिया एंड जब आप इधर का लैंग्वेज देखोगे वेन यू लुक एट द लैंग्वेज तो ऐसे 540 का एक इंट्रो दिया है And then look at this. C. A. Harry shall obtain an understanding of the following. इसकी जगह पे आपने लिख दिया no sir? फिर आप बोलोगे कि एक वर्ड मेरा इधर उधर हुआ अरे बट एक वर्ड की वजह से पूरा मीनिंग चेंज कर दिया अंडर वो लोग तेरे पास रिस्क असेसमेंट करवा रहे और तू फादर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में लिख रहा है सो so, कुछ कुछ बच्चों को या कुछ कुछ प्रोफेसर को मैंने कहते हुए सुना है बेटा एस्टिमेट वाले में तो क्या है मेथड कैलकुलेशन वगैरह ये पॉइंट याद रख लो और चिपकाते बैठो बेटा जस्ट कीप राइटिंग अरे बट अगर रिस्क असेसमेंट है तो ये सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना है अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो वेरीफाई करना है वेदर ये सब चीजें अप्रोप्रिएट है कि नहीं वैसा लैंग्वेज चेंज हो जाता है दिस अंडर स्टूडिसन प्लीज बी केयरफुल प्लीज बी केयरफुल

अभी कोई भी चीज का अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना होता है एस्टिमेट्स में अभी क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वगैरह चलो मैं अभी आपको शॉर्ट करवा देता हूं आई नीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उनके कौन से कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंडीशंस है जहां से एस्टिमेट आ रहे हैं देन हाउ दे आर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अदर पॉइंट दैट वी विल टॉक अबाउट इट ए टी एम कॉमोन एवरी वन ऐसे फाइव फोर्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगर आया ऑडिटर शैल ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टी एम ए फॉर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टी फॉर कौन से कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन कौन से कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन की वजह से नए नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं एम फॉर हाउ दे आर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑलराइट अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शेड्यूल थ्री ए एस इंडियास्टैंडिंग क्यू चाहिए आपको बिकॉज कहना उससे पता चलता है कि वो लोग रेकोग्निशन कैसे कर रहे हैं यस yes, यस yes. हमें मेजरमेंट मेजरमेंट के बारे में पता चलता है कैसे कर रहे हैं देन हमें पता चलता है कि कौन से कौन से डिस्कलोजर्स रिक्वायर्ड है आर एम डी तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से वी वी अंडरस्टैंड कि वो लोग रेकग्निशन कैसे कर रहे हैं वो लोग डिस्कलोजर्स कौन से कौन से दे रहे हैं एंड वो लोग मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं देन ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंडीशन टेलमी अगर आज मैं कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता हूँ क्रेडिट पे सेल्स करना शुरू कर देता हूं और मैं फॉरिक्स ओवरसीज ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देता हूं देन कहना ये सब की वजह से नए नए एस्टिमेट आ सकते हैं ये और नो सर येस सर

उसके एग्जाम्पल्स ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंडीशन के एग्जाम्पल जिसकी वजह से या तो आपको नए एस्टिमेट्स रिकॉन्नाइज करने पड़ेंगे या तो एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स में चेंज करना पड़ेगा अब क्या क्या एक्साम्पल हो सकते हैं न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर एक्साम्पल क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन चालू हो गए देन ट्रांजेक्शन के टर्म्स चेंज हो गए गारंटी की जगह पे वारंटी वारंटी की जगह पे गारंटी right. या तो एफ आर एफ में चेंजेस आए या तो लॉ में चेंजेस आए एनपीए के प्रोविजन सपोज आरबीआई ने चेंज कर दिए right. या तो बिजनेस में चेंजेस आए एवरी वन दो ही चीज याद रखो ट्रांजेक्शन न्यू या तो चेंजेस इन इवेंट्स एंड कंडीशन जिसकी वजह से में भी आ सकते right. हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के पास नॉलेज ऑफ बी एस एफ है कि नहीं है ओन स्ट्रेटेजीज है क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसपे भी एस्टिमेट्स आते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी लाइक डिस्काउंट की स्टफ

बर ट्वेंटी टू में लेकिन मैं लास्ट दो लाइन को चेंज कर देता हूं आई विल से गाइड हिम गाइड हिम फॉर ऑप्टेनिंग सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू चेक वेदर मैनेजमेंट हैज करेक्टली फॉलोड द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस इसका मतलब कहना है पॉइंट यही सब आएंगे पॉइंट्स यही सब आएंगे पॉइंट्स तो यही सब आएंगे लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑप्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हम लोग बोलेंगे ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट कम ऑन मैन शॉर्टकट है हेलो इट इट इज़ इज़ वेरी सिंपल ओके जस्ट दैट फालतू रीजन की वजह से मार्क्स लूज करके मत एवरीवन ओवर हियर

ए एफ आर एफ का अंडरस्टैंडिंग क्यों लेना है ताकि आर एम डी समझ में आए रिक्शन मेजरमेंट डिस्कलोजर ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन के एग्जाम्पल न्यू ट्रांजेक्शन या तो चेंजेस देन मैनेजमेंट एस्टिमेट को बनाता कैसे है मेका इफेक्ट एंड मेका इफेक्ट इज ओवर हियर एंड देन दूसरे पॉइंट्स भी आपको कुछ लिखे है आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट देखो प्राय पीरियड एस्टिमेट्स जो रहेंगे ना उसका एक आउटकम का रिव्यू करो ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करो हमें क्यों करना है आउटकम का रिव्यू सो दैट एक पता चले व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एस्टिमेट नॉर्मली यू नो कंसिस्टेंसी क्या है एस्टिमेट्स को लेकर एंड खास करके हमें पता चले कि अनसर्टनिटी लेवल कितना हाई है ऑनलाइट मैटर्स दैट ऑडिटर में कंसिडर अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनेजमेंट एज असिस्ट एस्टिमेशन अनसर्टेंटी टेल मी समथिंग

ए एफ आर एफ ये सब वर्ड ध्यान में रखो अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आया तो यही सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना है एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आया तो सब चीजों को वेरीफाई करना है अरे एम आई क्लियर विद दिस यस यस ओके ये देखो तो इससे क्या होगा एटलीस्ट यू विल नॉट गेट जीरो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्स टू आर ओ एम एम यानी यहां पे शुरू हो जाएगा टेस्टिंग स्टेज अब आपको पता चलेगा मैं इतना चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा था देखो फटाफट शॉर्टकट में पढ़ाता पढ़ाओ मेथड मॉडल मेथड प्रोविजन फॉर डेट्स की मेथड होती है आ, लेकिन स्टैटिस्टिकल uh, फॉर्मूला जब आप यूज करते हो तो मॉडल होता है लाइक like, इन्वेंट्री uh, का प्रोसेस कॉस्टिंग और वो सब स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है रिलायंस में ऑयल एंड गैस रिजर्व कितना है वो एक क्यूबिक मीटर में कितना है उसके से वो लोग एक फॉर्मूला सेन रिकॉग्शन कौन से बेसिस पे, okay? so, पे कियाजमेंट का कैलकुलेशन देन एक्सपर्ट की जरूरत है क्या देन अनसर्टेंटी को कैसे उन्होंने इवैल्यूएट किया ऑल right. कहीं पे मैनेजमेंट बायस के इंडिकेटर्स थे क्या कंट्रोल्स का टेस्टिंग करेंगे ऑल एंड वी विल टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नाउ टेल मी ये जो मैंने वर्ड सर्कल किए जितने भी वर्ड सर्कल किए कैन आई से नाइंटी परसेंट ऑफ वर्ड्स यही सब यूज हो रहे हैं येस और नो सर यस और नो सर यस सर अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन इन एक एक लैंग्वेज का डिफरेंस दिखा दू इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने एएफआरएफ का अंडरस्टैंडिंग लिया करेक्ट वेयर एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में लैंग्वेज देखो कैसा चेंज हो गया वेदर मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड एएफआरएफ बिकॉज़ हम टेस्ट करके एविडेंस लेने की ट्राई कर रहे वेदर डिस्क्लोजर्स हैव बीन गिवन एज़ पर एएफआरएफ वेदर मेथड्स आर एप्रोप्रिएट ऑलराइट सो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यू हैव टू जस्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यू हैव टू बाई हार्ट ओके एकदम फायर फॉर्टिंग सोल्यूशन दे रहा हूं ऐसे फाइव फोर्टी नाउ लिसिंग टू इसमें भी जो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है चार मार्क का सी पॉइंट चार मार्क का डी पॉइंट चार मार्क का एंड एल पॉइंट चार मार्क का सर लेकिन अगर ये फोर फोर मार्क्स के तो एक लाइन में कैसा है

उनके उसका बिजनेस एनवायरमेंट एंटिटी के प्लांट्स देखो प्राय पीरियड देखो पास्ट एक्सपीरियंस देखो इससे पता चलेगा दैट उनके अजंपशंस का कैसा स्टाइल रहा है व्हाट इज द पैटर्न देन जब मैनेजमेंट बोलता है यूजफुल लाइफ इज टेन इयर्स वगैरह मतलब दे आर रेडी टू मेंटेन दैट एसेट फॉर 10 इयर्स एंड दे आर रेडी टू रिपेयर इट ताकि ये 10 साल तक चले करेक्ट जब वो लोग बोलते हैं

जो मैंने उसके नीचे थोड़े sub रहेंगे, तो एक बार उसको रीड कर लो ऐसे में कोई भी स्टूडेंट फुल मार्क्स लेकर नहीं आता बट आई वॉन्ट दैट एटलीस्ट यू शुड नॉट गेट अनेट कम्स टू एंड अगर ऐसे एक दो पॉइंट बैठ गए एग्जाम में जो ये वाला था अब मैंने जब मे ट्वेंटी के भी बैचेस लिए थे आई शाउटेड एट द टॉप ऑफ माई वॉइस

रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ये ऑन नो सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं शायद आपने सुना भी ना हो सकता डोंट यू थिंक दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन येस ऑन नो सर ओके ऑनलाइन तो क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है एंड स्टूडेंट्स आर से इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रोपरेटरशिप है एक प्रोपरेटरशिपशिप है एक्सक्लूजन है एक तो इनको इंडियाबल नहीं है एंड इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी इनको एक्सक्लूजन हो सकता है चलो अज्यूम करो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टप्पू स्पोर्ट्स को ए एस भी एप्लीकेबल नहीं है

जब आप टैक्स ऑडिट करने के लिए गए आपको पता चला इनको तो ए एस बी एप्लीकेबल नहीं है एंड इनडीएस एप्लीकेबल नहीं है देन इन दैट केस डू यू थिंक दैट वी कैन आस्क देन टू शो दिस क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट टू तो अकाउंट्स में क्या मैं उसको फोर्स कर सकता हूं टू शो दिस ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यस और नो सर यस और नो सर एस भी एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेबल नहीं है कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है एंड द आंसर इज येस सर येस सर ये सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना डेफिनेशन ऑफ एस ए फाइव फिफ्टी रिलेटेड पार्टी में लिखा है दैट बॉस फर्स्ट यू चेक द डेफिनेशन एज डिफाइंड इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हावेवर अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क साइलेंट है देन इन्होंने खुद का भी डेफिनेशन दिया है दे हैव गिवन देअर ओन डेफिनेशन ऑल राइट

फर्स्ट डेफिनेशन आई वॉन्ट टू नो दैट मेरे क्लाइंट को कौन कंट्रोल कर रहा है एंड कौन इंफ्लुएंस कर रहा है मेरे क्लाइंट को कहा गया है रिपोर्टिंग एंटिटी ये ऐसे का लैंग्वेज है जेड को बोला गया रिपोर्टिंग एंटिटी सो अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आई दर डिरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया इंटरमीडियरी वाया इंटरमीडियरी ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी बेसिकली आई वांट टू अंडरस्टैंड हु इज कंट्रोलिंग और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग माय क्लाइंट इन द सेकंड डेफिनेशन आई वांट टू अंडरस्टैंड मेरा क्लाइंट किसको कंट्रोल या इंफ्लुएंस कर रहा है हु इज बीइंग कंट्रोल्ड और इंफ्लुएंस्ड बाय माई क्लाइंट

कॉमन के एफ सी की मैनेजमेंट फैमिली मेंबर्स एंड कंट्रोलिंग ओनर डन 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 ओके एवरी वन ओवर इ्लीज बी केयरफुल विध दिस एक्सेप्शन मैं फटाफट पढ़ा रहा हूं गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग एक्स एंड गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग वाई देन एक्स एंड वाई आर नॉट रिलेटेड पार्टी सो ये लोग कह रहे हैं दैट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज आर नॉट रिलेटेड पार्टी लेकिन सुनो नवंबर एटीन में एक गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी का क्वेश्चन आ गया था नवंबर एटीन में जहां पे गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग एक्स लिमिटेड एंड गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग वाई लिमिटेड लेकिन अच्छा आप एक्स का ऑडिट कर रहे थे

बुक रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स क्या है ऐसा चार पांच पॉइंट लिखने का इंटरनल कंट्रोल करें उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मैंने दिया हुआ वो आप रीड कर लेना प्लीज सुनो मे ट्वेंटी टू क्वेश्चन और ये मे ट्वेंटी इसलिए मेरी बुक में ऐसा नहीं है पहले से था डिस्कशन विथ द एंगेजमेंट टीम जो मे ट्वेंटी टू में था सो टेलमी so अगर आपको फेंकना भी है यू आर नॉट अवेयर अबाउट सच आंसर तो अभी अभी रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या डिस्कशन होगा टीम में लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पास्ट से कोई चेंजेस रहेगा तो

फ्रॉड कैसे हो सकता है कौन से डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स देखने चाहिए और टीम के साथ क्या बात होगा यार सो यू कैन जस्ट राइट इट नाउ एक तो ना ये प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन सुनो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आए तो तीन पॉइंट लिखोगे कौन से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन इवेल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल्स एंड डिस्कशन विद द टीम ऑलराइट सर देन ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल रीजन ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े एवरी वन अंडरस्टैंड की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में फाइंड दो रीजन एक रीजन तो बच्चे बच्चे को पता है मैन्युपुलेशन तो होता है मैनेजमेंट की तरफ से कंसीलमेंट होता है मैनेजमेंट सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग से फ्रॉड करता है एंड दैट इज वाई एज एन ऑडिटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट लेकिन बच्चे को दूसरे रीजन नहीं पता है टेल मी इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट जेठालाल ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अलग से रिकॉर्ड नहीं रखे थे बिकॉज जेठालाल को पता ही बिजी इन बबीता बिकॉज जेठालाल को पता ही नहीं है कि रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो समटाइम्स मैनेजमेंट को खुद को ही पता नहीं होता क्या करना है so look at this.

ध्यान so right. रखना अच्छा आपको ऐसा कब लगता है आपकी लाइफ में कोई डॉमिनेट कर रहा है सर जब हमारी सुनते नहीं है सर जब हमने बोला होता है उसका उल्टा करते हैं सर सर जब हम लोग डिबेट नहीं कर पाते सर एग्जैक्टली exactly.

एंड वो लोग बोलेंगे प्लीज गिव ऑफ सच ट्रांजेक्शन क्या अच्छा कोई फॉरेन कंट्री जो जो टैक्स है ना लाइक वो मॉरिशियस वगैरह के कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन इक्विटी ट्रांजेक्शन ऑफ श्योर एंटिटीज के साथ ट्रांजेक्शन लार्ज डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन अनयूजअल ट्रांजेक्शन

Eco, unusual, alter, Now, everyone over here. सुनो सुनो ये क्या चल रहा था प्रोसीजर का क्वेश्चन आया तो ऑप्टेडिंग थ्री पॉइंटिंग ऑफ द आरपीआर डिस्कशन विद टीम उसके बाद यह सब जो पड़ा है ना यह सब इंडिविजुअल क्वेश्चन है इंडिविजुअल क्वेश्चन है

Identification of, ध्यान से समझो ये पॉइंट को। तो हाउ डू आई फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो मुझे पहले डिस्कलोज नहीं किए गए थे कौन से कौन से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मुझे हेल्प कर सकते हैं वो एग्जाम्पल्स देने के मार्क है और दैट इज वाई ये एग्जाम्पल्स को प्लीज रीड एटलीस्ट फाइव टाइम्स

ओके okay, सुनो ये है एक पूरा क्वेश्चन ये फोर मार्क्स ये फोर मार्क्स आइडेंटिफाइंग आरपीआर आरपीटी देन सबको पता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में सबसे बड़ा रिस्क कहां पे है इफ द ट्रांजेक्शन आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन का ऑडिट करने के लिए वॉट आर दॉइंट टू भी कंसिडर ऐसा ना फॉर्मुला बेस्डम रखो अभी दिमाग को ज्यादा लोड मत दो आउट साइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन फॉर एक्साम्पल दो रिलेटेड पार्ट के बीच में इफ दर इज अक्टी एक्सचेंज इक्विटी ट्रांजेक्शन तो मुझे उसका contract पढ़ना पड़ेगा आई लैव टू सी वट वॉज द बिजनेस लॉजिक बिहाइंडियल स्टेटमेंट्स मुझे चेक करना पड़ेगा उसका ऑथराइजेशन अप्रूवल किसने दिया नॉर्मली इतना ही ऑडिट करूंगा ना मैं लू कैट दिस प्रोसीजर्स नाउ दिस इज यू नो वॉट दिस इन फाइव मार्क स्टडी

पर आई एम वरीड कि कहीं ज्यादा ना लिख दो ऑलराइट सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव बीन डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट उसके लिए आप क्या-क्या वेरीफाई करोगे तो ओपन यूएई ऑलराइट अरे बॉस मैनेजमेंट कैसे प्रूव करता है आपको दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ पे हुए ओपन मार्केट के साथ कंपेयर करके दिखाते हैं सेम ट्रांजैक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज के साथ कंपेयर करके दिखाते हैं या तो कोई एक्सपर्ट के पास जाके वैल्यूएशन करवाते हैं लुक एट दिस सो ओपन मार्केट के साथ कंपेरिजन अनरिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन को कंपेयर करके दिखाते हैं एक्सपर्ट के पास वैल्यूएशन करवाते हैं हमको देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी वगैरह लिए अजम्शन दैट इज रीजनेबल नॉट सो ओपन दीज आर टू बी बट दॉइंटर कोडवर्ड नी बाइट करू विच यू कैन राइट ऑलराइट देन क्या चेक करना पड़ेगा

राइट इवेंट्स ऑकरिंग बेस में ध्यान दो बेस बना रहा me, पे किया हुआ है उसमें बैलेंस शीट डेट यस ये एंड देनियवल पे कौन सा इंडिया को लेकर विच लेवल पे फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट ये इंडिया ए एस फॉर इंडिया टेन का नॉलेज एंड ये वाला पॉइंट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको दे दो नंबर वन इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट लेटेस्ट है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फाइनेंशियल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का हो गया डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिफ्टींथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री

यही है कैटेगरी वन यही है कैटेगरी वन इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पहले मैं कैटेगरी वन का सब कुछ बता देता हूं आपको बाद में कैटेगरी टू थ्री वगैरह देखेंगे कैटेगरी वन का क्वेश्चन रहेगा यानी कि साइन हो जाने से पहले वाला क्वेश्चन आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर साइनिंग देन इन दैट केस फॉर एनी कैटेगरी वन का क्वेश्चन दिस इज योर स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन ज योर स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन फॉर कैटेगरी वन क्वेश्चन कि भाई आपको एविडेंस लेना होता है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डिटर्स रिपोर्ट जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड था यानी कि एडजस्टिंग इवेंट्स वेदर एडजस्टिंग इवेंट्स हैव बीन प्रॉपरली एडजस्टेड और डिस्कलोड

कैटेगरी वन के थियरी को लेकर कैटेगरी वन में देर आर टू क्वेश्चन पॉसिबल थियरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो ए एस फोर इंडे टेन के नॉलेज के हिसाब से सॉल्व करना है थियरी में दो क्वेश्चन पॉसिबल है प्रोसीजर का क्वेश्चन एंड दूसरा गिव एग्जांपल्स ऑफ इंक्वायरी वाला क्वेश्चन बताता हूँ उसको लेर आइडेंटीफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट उसका अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा देन वो जो पीरियड है उसके बीच का मिनट्स ऑफ मीटिंग को जुआ रहेगा तो वो देखना पड़ेगा ऑलरेडी देन ऑब्वियसली यू मुझे देखना पड़ेगा कौन सी एडजस्टिंग इवेंट्स है जिसमें एडजस्टमेंट वगैरह रिक्वायर्ड So look at this, थोड़ा ना हम लोग स्टाइल से पढ़ेंगे ना तो वी कैन गेट फुल मार्क्स ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्वायर अबाउट वोमी वो कोड वर तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग दिस इज यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर अकाउंटिंग सिस्टम हाउ दे आर आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स देन इंक्वायरी करना पड़ेगा अबाउट डिफरेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स इसमें एडजस्टमेंट वगैरह रिक्वायड है मिनिट्स ऑफ मीटिंग वगैरह रीड करना पड़ेगा देन अच्छा अगर मैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का ऑडिट कर रहा हूँ कहना अप्रिल ट्वेंटी थ्री मे ट्वेंटी थ्री एंड जून ट्वेंटी थ्री तीन महीने स्टेटमेंट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि वॉट एवर एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड थे वो आपने किए है inquire about wumi inquiry wumi return representation understanding minutes of meeting and interim financial statements i would request ki understanding wala point first likho and return representation wala point last likho so this is the first point and this is the last point to thoda answer acha dikhta hai ye aapko procedure wala question aaya auditors responsibility word use kiya procedure word use kiya for category 1 baat khatam all right you start writing this

एडजस्टिंग इवेंट का एग्जाम्पल है ओके okay. आपका कैटेगरी वन खत्म जाओ बिंदास टेंशन मत लो इतना ही होता है चीजें सो कैटेगरी वन को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन एंड हाफ मार्क इधर ही मिल जाएगा मार्क देन क्वेश्चन आए तो या तो प्रोसीजर का या तो इंक्वायरी के एग्जाम्पल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो एस फॉर इंडिया बट सेंसिटिव कैटेगरी इज द कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री एक बार साइनिंग हो गया उसके बाद कुछ पता चला तो लुक एट दिस फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द बिकम नोन टू साइनिंग इज डन उसके बाद नेक्स्ट कौन सी मेन चीज होती है सर्कुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी तक सर्कुलेट हो चुके हैं बट अगर सर्क्यूलेट नहीं हुए है देन इन दैट केस वी कैन स्टिल रिएक्ट सो फैक्ट दिकम नोन टू दर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट एग्जैक्टली कब पता चला बिफोर इशूंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आफ्टर इशूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यह हो जाता है आपका कैटेगरी टू और ये हो जाता है आपका कैटेगरी थ्री नाउ लिसन टू मी डेट ले लेता हूं नाइंथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कैटेगरी टू क्या हुआ सिक्सटींथ मे से लेकर एट जून तक अगर कुछ पता चला तो दैट इज कैटेगरी टू देन थ जून ऑनवर्ड्स कुछ पता चला आफ्टर दर इशू एंड जरा कैटेगरी टू हो या कैटेगरी थ्री हो अब जरा जवाब देना तो लाइव सेशन का मजा आएगा कैटेगरी टू हो या कैटेगरी थ्री हो वन थिंग ऑडिट रिपोर्ट साइन तो हो चुका है Then it depends whether

जहां पे तुझे ऐसा फील हो दैट इफ आई वाज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट अर्लियर अगर मुझे ये फैक्ट के बारे में पहले पता होता तो आज कुछ बात और होती आज मेरा रिपोर्ट कुछ और होता फॉर एग्जांपल लेट अस से 16th मई टू 8th जून के बीच में आई मीन ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको पता चला फॉर एग्जांपल कैटेगरी 2 का एग्जांपल या समझो कैटेगरी 3 का भी एग्जांपल लेट अस से दैट ऑडिटर Has identified 15 new related parties which was not identified earlier. Now, I say 550 related party can I say related example here? I have set this language. Tell me 15 new related parties which was not identified earlier. Don't you think this is very sensitive? Yes or no, sir?

अगर पहले पता होता तो रिपोर्ट कुछ और होता इंग्लिश हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ साइनिंग द रिपोर्ट मे हैव the ऑडिटर टू amend द ऑडिटर्स रिपोर्ट ये लैंग्वेज आना जरूरी है दिस इज द स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन फॉर कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री

आपका क्वेश्चन हो या कैटेगरी थ्री का क्वेश्चन हो पहले मैं आपको फाइव मार्क्स में से इजीली टू या टू या थ्री मार्क्स दिलवा देता हूं वेदर अ कैटेगरी टू क्वेश्चन या कैटेगरी थ्री क्वेश्चन आपका जो इंट्रोडक्शन है ना एक तो वो स्टैंडर्ड इंट्रो का पैराग्राफ एंड देन आपका जो थियरी पार्ट होगा प्रोसीजर पार्ट प्रोसीजरल पार्ट फॉर कैटेगरी टू एज वेल एज कैटेगरी थ्री रिमेन सेम लुक एट दिस सबसे पहला लाइन लिखने का जो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में बोलने का ऑडिटर का कोई ऑब्लीगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग सच फैक्ट्स, रिगार्डिंग सच फैक्ट्स. ओके अगर कोई ऐसा फैक्ट सामने आता है अगर कोई ऐसा फैक्ट सामने आता है जहां पे ऑडिटर को ऐसा फील होता है

वेधर कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री लिशन टू बी केयरफुलटेगरी टू और कैटेगरी एंड ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यह एक मार्क इधर दे देगा को देखकर दो मार्क उधर ही दे देगा आपको और मे बी इवन ही उनका जैसा पेपर का चेकिंग पैटर्न रहेगा वैसे देन आती है कंक्लूजन की बात दिस इज ओनली फॉर टू मार्क्स या फॉर आंसरिंग एमसीक्यू राइट सो ज्यादा लोड नहीं लेना है अब मेरी बात जरा शॉर्टकट में समझो एक बार आपको ऐसे फैक्ट्स पता चले चलेट right? जहां रिलेटेड पार्टी अब हम लोग कैटेगरी टू में है अब ना यहां पे देखना पड़ेगा कैटेगरी टू कैटेगरी अब तक तो जो बोला कैटेगरी टू थ्री के लिए कॉमन पॉइंट्स दे रहे हैं कैटेगरी टू में क्या हुआ है क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुका है ये yes. बट क्या ऑडिट रिपोर्ट बीन सर्कुलेटेड थर्ड पार्टी? द ऑडिट रिपोर्ट बीन सर्कुलटेड थर्ड पार्टी नो क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुका है सर्कुलेट yes. हुआ नो no. ऑड yes. no. right. ये पहले दिमाग में फिट करो दैट इज कैटेगरी टू लेट अस से दैट मैनेजमेंट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमेंडमेंट ही नहीं करता है

That management is not amending the financial statements. Management is not amending the financial statements. अब दो बातें हो सकती हैं। Audit report sign हो चुका है, लेकिन मेरे पास मेरी firm में पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक client को नहीं दिया है। All right? तो so tell me. And आपके यस या नो पे डिपेंड करता है ऑडिटर एंड अभी तक मैनेजमेंट को नहीं दिया है ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई माई ओपिनियन समझ गया टू दी देफाईनियन एज पर एस एवन जीरोज आई है चांस टू मॉडिफाई ओपिनियन लेकिन समझो

मैनेजमेंट बिल्कुल भी अमेंडमेंट करता ही नहीं है नाउ एवरीवन विल फोकस ऑन पॉसिबिलिटी वन गुडी गुडी आई वांटेड मैनेजमेंट टू गिव डिस्क्लोजर्स अबाउट दैट फिफ्टीन न्यू रिलेटेड पार्टीज एंड लेट मी टेल यू उन्होंने अमेंडमेंट किया फिर से बोर्ड मीटिंग बिला के अप्रूवल कर रहे हैं का एंड वो फिफ्टीन न्यू रिलेटेड पार्टीज के डिस्कलोजर्स वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं आई एम सो हैप्पी

Look at this over here. Law AFRF requires management to amend the financial statement, but does not restrict to amend only to the extent of effect of subsequent events. Iska matlab? Management amends the financial statements and provides more disclosures than what was required.

ऑडिट on नहीं, नहीं किया नहीं। तो लिखने के दो तरीके है एक डुअल डेटिंग वेटिंग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैं जरा अगर यहां पर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओरिजिनल डेट आएगा लेटेस्ट से मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से ओरिजिनल डेट वाज ओरिजिनल डेट वाज फिफ्टींथ मे तो फिफ्टींथ में आएगा एक में ये जरा फिफ्टींथ में आएगा फिर ब्रैकेट में जो रिवाइज्ड डेट है वो आ जाएगा लेटेस्ट सेवेंथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री Date, में आई विल आईडेंटिफाई द नोट टू अकाउंट ऑडिटेड बाई मी आई विल आइडेंटिफाई द नोट टू अकाउंट ऑडिटेड बाई मी ऑल राइट इसको बोलते हैं डुअल डेटिंग बकवास तरीका है नॉर्मली तरीक कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यह करता नहीं है बट यू शुड नो वट इज डुअल डेटिंग ओरिजिनल रिपोर्ट को रिप्रिंट किया विध ओरिजिनल डेट

एकदम ही समरी मतलब कि कैटेगरी टू में तीन चीजें हो सकती है फर्स्ट मैनेजमेंट ने अमेंड किया एंड जितना रिक्वायर्ड था उतना ही इंक्लूड किया। आई एम हैप्पी रिवाइज रिपोर्ट रिवाइज डेट का रिवाइज रिपोर्ट करके बात खत्म सेकेंड मैनेजमेंट ने अमेंड किया बट दे हैव इंक्लूडेड मोर देन वॉट वॉज रिक्वायर्ड आई एम हैप्पी

अगर आपने रिपोर्ट साइन करके अपने पास रखा हुआ है तो मॉडिफाई ओपिनियन एंड देन गिव द रिपोर्ट अगर आपने रिपोर्ट साइन करके दे दिया है कंपनी को देन आस्क देम नॉट टू द रिपोर्ट फर्दर अगर वो लोग फिर भी इशू करते हैं टेक अप्रोप्रियट एक्शन जाओ हो गया आपका टेंशन मत लो एम आई क्लियर विद दिस यस यस ओके नाउ एवरी वन ओवर कैटेगरी थ्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करके इशू हो चुका है थर्ड पार्टी का थर्ड पार्टी तक पहुंच चुका है

Because, कोई भी सपोज कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पॉसिबल हो सकता है लिमिटेड स्टेक होल्डर्स है थर्ड पार्टी को सर्कुलेट हो चुका है फिर भी स्टेटमेंट एंड दे इंक्लूड ओनली रिक्वायर्ड डिस्कोजर्स दिस इज सेम लाइक कैटेगरी टू या तो मैनेजमेंट अमेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट

टू टेक अप्रोप्रियट एक्शन टू टेक अप्रोप्रियट एक्शन या तो रिपोर्ट टू अप्रोप्रियट स्टैट्यूटरी बॉडी या तो पब्लिक नोटिस वगैरह ले लो करेक्ट ऑफ अप्रोप्रियट एक्शन लेकिन सुनो पता कैसे चलेगा कैटेगरी थ्री का ये अलग से आंसर है कैटेगरी थ्री में जब भी आप देखो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में कहना है आप रिवाइज रिपोर्ट तो इशू करोगे ंगी टू टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट विच वॉज प्रीवियसली इशूड या तो मैनेजमेंट स्टेप नहीं लेता तो यूल अप्रोप्रियट एक्शन दिस इज अक पॉइंट फॉर कैटेगरी थ्री बिकॉज़ जो ओल्ड रिपोर्ट पहुंच चुका है अब रिवाइज रिपोर्ट कर रहे हो सो यू है आप सेक्शन वन फोर्टीज एक्ट राइट टू बी हर्ड एट एजीएम के बारे में लिख सकते हो बहुत कुछ लिख सकते हो अप्रोप्रियट एक्शन में यू कैन गिव मल्टीपल एग्जाम कर लो

एक तो प्रोसीजर बेस्ड सॉरी तीन क्वेश्चन एक तो इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं एक तो प्रोसीजर बेस्ड और तीसरा कंक्लूजन बेस्ड और खत्म करते हैं इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हेलो ऐसे शुरू कब होता है वेन यू स्टार्ट फाइंडिंग थ्रेड टू गोइंग कंसर्न जब आपको दिखना शुरू हो जाता है इंडिकेटर्स ऑफ मटीरियल अनसर्टेंटी और एग्जैक्ट इंग्लिश बताओ वन यू स्टार्ट फाइंडिंग बोलो इवेंट्स एंड कंडीशन मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न ये एक बार बार मजा जाएगा इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न बोलो इवेंट्स एंड कंडीशन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न जब ऐसे इंडिकेटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं तब जाके ऐसे फाइव सेवेंटी में बातें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है तीन तरह के इंडिकेटर है फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑपरेटिंग इंडिकेटर अदर इंडिकेटर सुनो मेरी बात फाइनेंशियल इंडिकेटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका एसएफएम का नॉलेज लगाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नॉलेज लगाओ ऑल right. आप कॉस्टिंग uh, का नॉलेज लगाओ जो भी फाइनेंशियल्स है या फाइनेंशियल पैरामीटर्स है या रेशियोस देखकर लग रहा है या फाइनेंस के अरेन्जमेंट है देख कर लग रहा है दैट दर इज अ थ्रेट टू दर गोइंग कंसर्न प्लीज रीड ऑल द इंडिकेटर्स फाइव टाइम्स एमसीक्यू के लिए फेवरेट कंटेंट है ऑपरेटिंग इंडिकेटर right. बराबर है लेकिन ऑपरेशन देखकर लग रहा है दैट हालत खराब है इमेजिन करो पैसे बहुत है उनके पास लेकिन दे हैव शॉर्टेजेस ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज पैसे बहुत है उनके पास बट दे हैव लेबर डिफिकल्टीज पैसे बहुत है उनके पास लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर है जिसका यू डू नॉट आंसर

सो so, ये जितने भी इंडिकेटर्स है यू हैव टू रीड फाइव टाइम्स बिकॉज वो लोग कोई भी एक इंडिकेटर प्रिंट कर देंगे एंड दे विल टेल यू दैट ये कौन सा इंडिकेटर है फाइंड आउट करो एमसीक्यू में देन लिसन टू मी आपको इसमें दो तरह के डाउट्स आ सकते हैं एक यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द इंडिकेटर सेकेंड आपको इंडिकेटर तो समझा लेकिन फाइनेंशियल क्यू है वो नहीं समझा या ऑपरेटिंग क्यू है वो नहीं समझा सो so वो बच्चे तो बच्चे डिपेंड करेगा डाउट सो यू कैन रीड इट इफ ये इंडिकेटर वाला क्वेश्चन ओवर प्रोसीजर बेस्ड प्रोसीजर बेस्ड में देखो एक तो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चीजों का क्या लेना है अंडरस्टैंडिंग

एक्सप्लेन कि उनका बिजनेस प्लान क्या है सो इन रिस्क प्रोसीजर वी वॉन्ट अबाउट इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेलेस अबाउट अब सुनो असेसमेंट कोई भी हो प्रॉब्लम वाला हो या सोल्यूशन वाला हो यह पॉइंट कभी मत भूलना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू

क्या हम लोग उनको एक्सटेंड करने के लिए बोल सकते हैं फ्रॉम ट्वेल्व टू फोर्टीन अगर हमको लग रहा है दैट वो कंसिडर करना चाहिए यस वी नीड टू ऑल्सो थिंक यस वी कैन यस वी कैन वी नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट इवेंट्स एंड कंडीशन बियॉन्ड पीरियड ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट जैसे समझो कि फोर्टीन मंथ फिफ्टींथ 16th मंथ मतलब एकदम नियर टू 12th 12th मंथ है तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको एक्सटेंड करने के लिए बोल सकते हैं दट विल डिपेंड अपॉन योर जजमेंट

तो कहनाडी कवर कर लिया है ऑलरेडी हो चुका है एंड प्लीज एनशोर दैट यू डूट फ्रॉम देर सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फाइव फोर्टी फिफ्टी सिक्स का प्रिपरेशन करो नाइन आउट ऑफ टेन टाइम ऑलवेज फाइंड क्वेश्चन थैंक यू सो मच